अच्छी तरह से टाइल्स वाइल्स लगाए हुए इस घर में आप। दोस्तों आज की सुनो अपन बात करने वाले घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के बारे में। तो इसमें सारा डिटेल अपन देखेंगे, इसके प्रकार क्या होते हैं, साथ में इसके जो मतलब घटक होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अभी लाइक नहीं कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं घर्षण क्या होता है। देखिए घर्षण क्या होता है, अगर कोई भी दो वस्तु आपस में गति करती है और गति करने के फलस्वरूप उन दोनों वस्तुओं के मध्य विरोध करने वाला, लड़ाई करने वाला कौन होता है? घर्षण होता है। बात को समझ रहे हैं ना? जैसे कि मान लीजिए कि दो ही कोई लड़के लड़ा रहे तो उसके बीच में दूसरा दोस्त आ जाता तो वो घर्षण का काम करता है ना, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो देखिए आप कभी दरवाजा को खोलते और बंद करते हैं तो वो क्या करता है, चोई चोई करता है ना, करता है नहीं करता है, चोई चोई सर टाइट वगैरह हो जाता है जिसके कारण से ज़्यादा घर्षण लगता है। अब जैसे कि ऑयल वगैरह चीज़ें इसमें डाल देते हैं तो वो फिर घर्षण कम लगेगा जिसके कारण से आसानी से वो खुल जाएगा और बंद भी हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने की बात है, देखिए घर्षण की डेफिनेशन क्या होगी। दो वस्तुएं अगर अपेक्षित रूप से गति करती है तो उन दोनों वस्तुओं के मध्य उत्पन्न विरोधी बल को अपन क्या कह सकते हैं, घर्षण बल कह सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिख दी है, जब किसी वस्तु द्वारा अपेक्षित गति करते समय उन वस्तुओं के मध्य उत्पन्न विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। समझे ना बात को? अब देखिए घर्षण बल ऐसा नहीं है कि अगर दो वस्तु आपस में गति करती हैं तो ही उत्पन्न होता है बीच में, ऐसा नहीं है। अगर कोई वस्तु स्थिर है ना उसके अंदर भी क्या होता है, घर्षण बल उपस्थित रहता है, लेकिन क्या होता है तब बाह्य बल लगाते उसके बराबर होता है। समझे ना? अब अपन समझते हैं जो घर्षण बल होते हैं उसके दो घटक होते हैं। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे घर्षण बल के दो घटक होते हैं, इसके दो घटक होते हैं। घटक का मतलब समझे ना, जहाँ पर घर्षण बल लगता है ज़्यादा कम कहाँ पर होता है उसके बारे में ना। तो देखिए पहला इसका घटक हो जाता है सतह की प्रकृति। सतह की प्रकृति, देखिए सतह की प्रकृति में अपन समझते हैं दो सतह होती है अपन की, एक तो होती है कौन सी सतह, चिकनी सतह, और दूसरी होती है खुरदरी सतह। देखिए चिकनी और खुरदरी में क्या होता है, इसमें क्या होता है घर्षण कम लगता है, इसमें भाई साहब क्या होता है घर्षण कम लगता है, और इसमें क्या होता है घर्षण ज़्यादा लगता है, इसमें क्या होता है घर्षण ज़्यादा लगता है। अब आपने जैसे कि मतलब अच्छी तरह से टाइल्स वाइज लगाए हुए इस घर में आप अगर पत्थर फेंकेंगे तो वो आसानी से जा सकता है, लेकिन अगर आप बात करें मिट्टी में अपन पत्थर फेंकेंगे तो वो वहाँ पर ही रुक जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिट्टी अपन की क्या हो जाएगी, खुरदरी सतह, लेकिन जो टाइल्स वगैरह लगे होते हैं वो एक चिकनी सतह हो जाती है। समझे ना बात को? तो ये हो जाता है सतह की प्रकृति। अब जो दूसरा घटक होता है उसके बारे में अपन समझेंगे, इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों दूसरा अपन का घटक है वस्तु पर लगने वाला अभिलंब। अब ये अभिलंब क्या बोला है इसको समझिए। अगर अपन मान लेते हैं कि भाई साहब अपन की वस्तु इधर है ना, वस्तु इधर है और वो नीचे सतह पर पड़ी हुई है, तो नीचे की तरफ अपन सतह की तरफ या धरती की तरफ देखेंगे तो अपन का एक बल लगता है जिसे अपन क्या कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं नीचे की तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ, उस वस्तु के जस्ट यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत क्या लगता है, अभिलंब बल लगता है। क्या लगता है? अभिलंब बल लगता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत लगने वाले बल को अभिलंब कहते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इस वस्तु को धक्का देते हैं, मतलब अपन क्या करते हैं इसको बाह्य बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाह्य बल लगाते हैं। तो वस्तु के यहाँ पर सतह के बीच में घर्षण बल उत्पन्न होगा जिसके कारण से वस्तु को वापस धकेलने की कोशिश करेगा, मतलब कि विरोधी बल उत्पन्न होगा जिसको अपन क्या कह सकते हैं, घर्षण बल कह सकते हैं। बात को समझ रहे ना?
तो अभिलंब क्या होता है, जो कि घर्षण बल के समानुपाती होगा। जितना अभिलंब ज्यादा होगा उतना घर्षण ज्यादा होगा, समझे ना बात को। तो अपन यहाँ पर अभिलंब की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो गाइस इसकी डेफिनेशन हो जाती है, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत बल को अभिलंब बल कहते हैं, समझे ना बात को। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी अपुन का अभिलंब होता है वो क्या होता है, अपुन का घर्षण बल के समानुपाती होता है। अर्थात अपुन कह सकते हैं कि फ्रिक्शन बल होता है उसके समानुपाती होता है अभिलंब। इसको अपुन एन के माध्यम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अपुन समझेंगे इसको, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर अपुन का एक कॉन्स्टेंट आ जाता है जो कि होगा म्यू एन। अब यहाँ पर जो म्यू होता है वो है घर्षण गुणांक, और एन क्या है अभिलंब, और एफ आर क्या है घर्षण बल, समझे ना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन यहाँ पर समझते हैं घर्षण बल के प्रकार। तो सबसे पहला होता है स्थैतिक घर्षण, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं, स्थैतिक घर्षण। दूसरा होता है सीमांत घर्षण। लास्ट हो जाता है गतिज घर्षण। कौन सा हो जाता है, गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण एंड सीमांत घर्षण एंड गतिज घर्षण। अब यहाँ पर तीनों में डिफरेंस क्या है उसको समझिए। मैं आपको सिंपल भाषा में इसको समझा देता हूँ, डेफिनेशन नहीं लिखवाता हूँ। देखिए स्थैतिक का मतलब होता है कि स्थिर वस्तु। कौन सी वस्तु, स्थिर वस्तु। बात को समझिए, अगर दो स्थिर वस्तु या कोई भी स्थिर वस्तु उसके मध्य अगर उत्पन्न घर्षण बल को अपन क्या कह सकते हैं, स्थैतिक घर्षण कह सकते हैं। अब आप एग्जांपल लेके समझिए। मान लीजिए कि आपके टेबल पर क्या पड़ी है, पुस्तक पड़ी है। टेबल पर पड़ी पुस्तक, है ना, टेबल पर पड़ी पुस्तक। तो देखिए पुस्तक और टेबल के बीच में जो घर्षण बल उत्पन्न होगा उसको अपन क्या कह सकते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। जहाँ पर दोनों कैसी, स्थिर अवस्था में। सीमांत घर्षण क्या होता है उसको समझिए। देखिए वस्तु पर लगा वह घर्षण बल जहाँ पर वस्तु गति करने वाली है लेकिन अभी इसने गति स्टार्ट नहीं की है। मतलब जो स्टार्टिंग में, यानी कि कोई भी वस्तु अगर गति करने वाली है तो उसके स्टार्टिंग में जो भी घर्षण बल उत्पन्न होगा उसको अपन सीमांत घर्षण कह सकते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जो घर्षण बल उत्पन्न होगा वो अपन का हो जाता है सीमांत घर्षण, समझे ना। अब गतिज घर्षण बल में क्या होता है, गतिशील वस्तुओं के मध्य, समझिए बात को ध्यान से, गतिशील वस्तु के मध्य उत्पन्न घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कह सकते हैं। इसमें गति कर रहे, इसमें गति करने वाले अभी गति कर नहीं रहे है ना, तब इसमें घर्षण बल उत्पन्न, और इसमें स्थिर अवस्था में घर्षण बल उत्पन्न होगा, और इसमें केवल गतिशील अवस्था में घर्षण बल उत्पन्न होगा। सो ये था इस वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो आगे मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।